अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबका मेरे चैनल मिस्टर हिल व्लॉग्स पे वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी जल्दी इतने आपने प्यार दिखाया और 1000 सब्सक्राइबर्स हो भी गए। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। मैं जब वीडियो बनाता मैं पहले मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं उसकी खुशी में वीडियो बनाने लगा, फिर देखा 800, फिर 1000 सब्सक्राइबर कब हुए पता ही नहीं चला। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह ही प्यार दिखाते रहें। मैं भी अपना अपने आपको इस तरह अच्छा अच्छा एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट दिखाता रहूँगा। तो अभी जैसा कि आप सबको पता है कि ईद के में 2 दिन रह गए हैं, ईद करीब है, रमज़ान का महीना ख़त्म होने लगा है। तो अभी हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने मेट्रो। तो आज आपको हम देंगे मेट्रो का रिव्यू भी देंगे, मेट्रो का लाहौर में जो मेट्रो है उसका रिव्यू देंगे और ग्रोसरी भी ख़रीदेंगे। चलते हैं वहाँ पर, पहुँच कर आपसे मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 2 दिन में ईद है, तो ईद पे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को वो वीडियो जल्द से जल्द आपको देखने को मिले और आप उससे क्या कहते हैं लुत्फ़ानंदोज़ हो सकें। तो आ जाएँ चलते हैं मेट्रो। एंटर होते ही हमारे सामने आ जाते हैं सबसे पहले क्लोथ्स कपड़े। राइट साइड पर होते हैं जेंट्स के कपड़े और जैसा कि आप देख सकते हैं, और फिर मिड में होते हैं बच्चों के कुछ कपड़े और लेफ्ट साइड पे होते हैं लेडीज़ के कपड़े। फिर आगे आ जाते हैं हमारे पास बर्तन और फिर लेफ्ट साइड पे साथ ही होता है ट्रैवलिंग का सामान जो आपको हम बाद में दिखाते हैं। उसके सामने ही हमें मिल जाती हैं ये सैंडल्स चप्पलें कुछ और शूज़, और फिर उससे आगे आ जाता है कालीन और यानी कि घर का सामान, टॉवल्स और कालीन मैट्रेस और इस तरह ही काफ़ी कुछ, काउच वगैरह जिस जो आप अपने घर में रख सकते हैं, नई नई काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। और फिर ये ट्रैवलिंग के लिए सामान है जो कि ट्रैवलिंग में यूज़ होता है, जैसे कि ये पिलो पड़ा है ट्रैवलिंग के लिए कंधे सर के पीछे रखने के लिए। और फिर ये देख सकते हैं बर्तन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जैसा कि फेस वाश, शैम्पू, सोप्स और इस तरह वैसलीन वगैरह काफ़ी चीज़ें। उससे आगे आ जाता है हमारे बच्चों का फेवरेट और हमारे काम की चीज़ें और राशन का सामान। फिर आ जाता है हमारे ओनली कैफ़े मेट्रो जो उस वक्त बंद था रमज़ान की वजह से। और फिर आ जाता है घर का सामान, एरियल और ये चीज़ें, बाल्टियाँ वगैरह, डस्टबिन वगैरह, गारबेज का सामान। और लाउंड्री एसेसरीज जिसमें शामिल होता है हैंगर वगैरह, मैट और ये चीज़ें। यहाँ पे होता है फ्रोज़न फूड जो उस वक्त मौजूद नहीं था, पता नहीं क्यों फ़िश होती है लेकिन उस वक्त वहाँ पर नहीं थी मुझे लगता है। अच्छा हाँ, फ़िश का मौसम नहीं था इसलिए। और फिर आ जाता है ये तलने वाली चीज़ें, चिकन मसाला रोल पैटी, समोसा और फ्रोज़न वेजिटेबल्स, फ्रोज़न सब कुछ इस तरह आ जाते हैं फ्राइज। तो आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपके व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ईद का व्लॉग देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय।